मैंने 2 कप ले लिया दाल, मसूर दाल, इसे भिगा दिया है 3 घंटे पहले मैंने इसे भिगा दिया। और ये मैंने 1/2 कप ले लिया चना दाल। तो आज मैं इन दोनों की मिक्सिंग कचड़ी रेसिपी बताऊंगी। तो इसे पहले हम एक ग्राइंडर लेंगे, मिक्सर जार, और इसके अंदर सभी दाल को ऐड कर देंगे। पानी नहीं डालेंगे, ड्राई ही पीस लेंगे इस तरीके से। इसे आप पीस लें। चलिए पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल को पीस लिया, देखिए बिल्कुल बारीक पीस लिया। ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अभी हम पलट लेते हैं एक बाउल में। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। तो इसे दाल को हमने इसके अंदर पलट लिया। अभी हमारा जो चना दाल है ये भी भीगा हुआ है तकरीबन 3 घंटे पहले ही। अब इसे हम पानी निकाल लेंगे। वैसे मैं निकाल चुकी हूँ, थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर बाकी नहीं रहना चाहिए। और इसके अंदर हम कर देंगे ऐड, इसे पीसेंगे नहीं, हम इसे साबुत ही ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, देखा थोड़ा सा ही पानी बचा, इसे मैंने निकाल दिया। तो कोशिश करें कि दालों के अंदर पानी ना रहे। अब हम इसे करेंगे मिक्स। ये देख सकते हैं ये हमारा पैटर्न हो गया रेडी। ये चना दाल डाल के आप इसे फ्राई करें और उसके बाद आप इसे खाएं। उसके बाद आप इसे खाएं। जब आप इसे खाएंगे ना तो ये आपके मुंह में ये दाने आएंगे ना चना दाल के, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, कुरकुरा, तो बहुत ही मज़े लगते हैं इसे खाने में। तो अब हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमें जो चीज़ें चाहिए। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसे मैं स्लाइस में कट कर ली है। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया, ये 1 चम्मच मैंने अजवाइन ले लिया, और ये तकरीबन 1/2 कप है हमारा पुदीना। ये हरा धनिया पत्ता नहीं है, ये पुदीना पत्ता है। तो इन सबको करेंगे मिक्स। पुदीना डालने से इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपके पास हैं तो आप इसके अंदर ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पे हरा धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, फिर भी आपका बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर अपना पैटर्न डाल देंगे। पैटर्न को थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से हाथों की सहायता से इस तरीके से दबा दबा के और इस तरह से इसमें छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा तेल कितना गर्म है, और इस तरीके से दबा दबा के इसके अंदर ऑयल में डाल देंगे। सभी को हम इसी तरीके से बना लेंगे। आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप डाल लें। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा अच्छे से लाल हो चुका है, एकदम ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, जो हो गया है उसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हो चुका। आप इसी तरीके से फ्राई करें तो आपको बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। इसी तरीके से इस सभी को निकाल लेंगे। जो हमारा कचरी ब्राउन हो चुका है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चना दाल मसूर दाल की कचरी तैयार है, तो बिल्कुल क्रिस्पी है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। कच्चा नहीं है, बिल्कुल भी पक चुका है।
आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।